सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के डॉक्टर। सीबीआई ने बनाई डॉक्टरों की एक टीम। जांच टीम में एम्स के चार डॉक्टर, फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे अगुवाई। एम्स की टीम को आज मिलेगी सुशांत केस की फाइल। बुधवार या फिर गुरुवार को मुंबई रवाना होगी डॉक्टर्स की टीम। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत। ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम स्टैम्प को न होना बड़ी गलती। पांड्रा पुलिस स्टेशन से देर रात निकली सीबीआई की टीम। 10 घंटे तक सुशांत केस को लेकर चला मंथन। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले तक पहुंचा। आज तक बोला बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे वहां मौजूद चार शख्स। चाबी वाले ने आज तक को दी अहम जानकारी। कहा कंप्यूटराइज था सुशांत के कमरे का लॉक। चाबी वाले ने आज तक के खुफिया कैमरे पर किए कई बड़े खुलासे। कहा ताला तोड़ते वक्त नहीं मौजूद थी पुलिस। सुशांत की मौत का सच तलाशने में जुटी सीबीआई। घर के दो स्टाफ से पूछताछ, कुक नीरज से सवाल जवाब। सीबीआई ने सेमिल मिरांडा से भी की पूछताछ। साजिश के तार जोड़ने की कोशिश में रिया के करीबी से सवाल। चीन को बड़ा झटका। 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का ग्लोबल टेंडर रद्द। चीनी कंपनी ने भरा था टेंडर। 6 दावेदारों में बोली लगाने वाली सीआरआरसी पानल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड अकेली विदेशी कंपनी थी। अब मेक इन इंडिया को दी जाएगी तरजीह। चीन पाकिस्तान में नापाक समझौता। पाकिस्तान से मिला तिब्बत पर समर्थन, बदले में ड्रैगन ने कश्मीर पर हां में हां मिलाई। चीन के 7 मिलिट्री एयरबेस पर भारत की नजर। रखी जा रही है पल पल की जानकारी। पीओके में पाकिस्तानी झंडा हटाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने किया टॉर्चर। पाकिस्तानी फायरिंग पर लोगों का प्रदर्शन। हीरानगर सेक्टर में लगे पाक विरोधी नारे। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन का दिशा निर्देश। ऑनलाइन होगा नामांकन, ऑनलाइन जमा होगी सिक्योरिटी मनी। प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। 2 गज की दूरी डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को ही होगी इजाजत। बिहार विधानसभा चुनाव टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल। कोरोना और बाढ़ का दिया हवाला। चुनाव आयोग की महामारी पोल कोड पर कांग्रेस नाराज। कहा ईवीएम और वीवीपैट से वायरस को फैलने का खतरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।